नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुकाराम और आप देख रहे हैं बीआरबी फोटो वीडियोज। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं ग्रीन स्क्रीन फोटो कैसे बनाते हैं और उसे वीडियो में कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए शुरू से अंत तक, और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिए, ताकि मैं इंस्टाग्राम पर भी बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर डालता रहता हूँ, तो उसे भी आप देखिए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, चलो वीडियो शुरू करते हैं। तुमको देखा तो क्या ये हो गया, तुमको देखा तो क्या ये हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले अपन को एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, पिक्चर लैब, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। बाद में इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, इसे आप ओपन कर लीजिए। न्यू टेक्स्ट है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं या हटा सकते हैं। बाद में अपन को यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करना है और ये बॉक्स ले लेना है। बॉक्स लेने के बाद में इसे राइट कर देना है और यहाँ पर कलर पर सिलेक्ट करके अपन को कलर ले लेना है, जिस भी कलर का बनाना चाहते हैं। मैं ग्रीन बना रहा हूँ, ग्रीन स्क्रीन बना रहा हूँ, तो ग्रीन स्क्रीन यहाँ से ओके कर लेते हैं। और आपको अंदर का बॉर्डर का कौन सा कलर लेना है, मैंने ब्लू ले लिया है। अब आपको यहाँ से करना है क्लिक, 3D पर क्लिक करके थोड़ा राउंड अप कर लेते हैं। तो ये मैं 30 रख दिया है। 30 रखने के बाद में इसको थोड़ा बॉक्स बनाना है, तो बॉक्स बनाने के लिए अपन को यहाँ से इस तरह का ये खींचते हैं। तो 46 रख दिया मैंने, 46 डिग्री पर बना रहा हूँ, आपको जितने डिग्री पर बनाना है बना सकते हैं। ये थोड़ा लाइटिंग कर देते हैं तो ज़्यादा शानदार रहेगा, क्योंकि इससे ग्रीन स्क्रीन बहुत ही अच्छी दिखेगी। तो दोस्तों इसी तरह ये मैं रख देता हूँ 57 पर रख दीजिए, ये लाइटिंग इतनी बराबर है। अब अपन को लेते हैं इसको साइड में और एक और ग्रीन स्क्रीन बना दें। ये ग्रीन स्क्रीन तैयार हो चुकी है और एक और बना सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग इफेक्ट जिस भी आकार में बनानी होती है वो आकार भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपन। यहाँ पर क्लिक करके इस तरह के आकार आते हैं, तो हार्ट शेप में वगैरह जिस भी आकार में आपको बनानी होती है बन जाती है। हार्ट वाली बेटर है, तो मैं हार्ट वाली ले लेता हूँ। बाद में अपन को दूसरा एक और मैं बनाता हूँ, तो इस तरह का वो ही हार्ट वाला ही बना लेते हैं। हार्ट वाला सिलेक्ट करते हैं, इससे थोड़ा कलर अलग देंगे तो वो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि वेडिंग वेडिंग वीडियो जब बनानी होती है कपास के एडिटिंग करनी होती है, कपास के फोटो की, तो कपास के फोटो में जो सही होती है। ये मैंने रेड ले लिया और राउंड राउंड ले लेते हैं ग्रीन। तो ये ब्लू स्क्रीन भी बहुत अच्छी है, ब्लू स्क्रीन भी रीच बहुत मस्त होती है। मैंने नीचे का भाग जो है ले लिया है और इसको इनेबल कर दिया है। ये भी सेम उसी तरीके से रखते हैं जिससे वो बनाए हैं। तो दोस्तों ये इससे थोड़ा राउंड अप कर लेते हैं सामने से रख लेते हैं, हाँ इस बराबर ऐसे रख लिए तो आमने सामने हो जाएगा। तो इससे वेडिंग वीडियो बनाने में अपन को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इससे। तो इस तरीके का थोड़ा लाइटिंग का कर देते, अब इसको अपन को थोड़ा कलर देना है, तो कलर दे दिया है। राउंड अप करने के बाद में तो उनको इसे सेव करना होता है, मतलब ये बनकर तैयार हो गया है। ऊपर मैंने क्लिक किया सेव प्रोजेक्ट पर, ये सेव टू गैलरी फाइल, तो इस तरह ये सेव हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं सेव हो चुका है सेव। अब जाकर गैलरी में चेक करते हैं कि गैलरी में फ़ोटो सेव हुआ कि नहीं हुआ, उससे मैं सेव करके दिखा देता हूँ। मैं जैसे ही मैंने गैलरी ओपन की तो ये मेरी गैलरी ओपन हो गई, देखिए ये आ गया है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे फ़ोटो बनाए, आप भी बना सकते हैं और अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है क्योंकि इससे कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं होगा।